नीलम अब तो बताओ, पूरे रास्ते पूछते आया हूँ, बताया ही नहीं और खाना भी नहीं खाने दिया। अनीता क्या सोचती होगी? आइंदा अगर बाहर जाना हो ना तो अनीता को अकेले लेके जाना, मैं ये नहीं देख सकती। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम? अगर कोई खुद से चीज लेकर दे ना तो और बात होती है, और खुद मुंह से मांग लेना चीज उसकी खुशी नहीं होती, बंदा वैसे बड़ा अजीब सा लगता है। कम ऑन इरम, तुम्हें पता तो है कि वो हमारी जिम्मेदारी है, अगर वो हमसे नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी? जिम्मेदारियां तो आप पर और भी हैं जो आप मानते ही नहीं। क्या मतलब? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप शादी कर लें और अपना वारिस पैदा करें। दूसरी शादी करना कौन सा गुनाह है? आप क्यों नहीं दूसरी शादी कर लेते? पता नहीं तुम कौन सी टेंशन में बैठ गई। वक्त आने पर बताऊंगी। इरम, क्या वजह है? पहले तो चाय खुद ले आती थी और आज कहना पड़ रहा है। मेरे सर में दर्द है, बना दूंगी। मुझे सूट चाहिए, आप उस दिन भी भूल गए थे, मुझे नहीं पता मुझे सूट ला कर दें। अच्छा ले आएंगे सूट, तुमने कौन सा कहीं जाना है? हाँ हाँ, अनीता ने कहा होता तो फौरी ले आना था, उस दिन तो बड़ा कह रहे थे ऑनलाइन मंगवा लो। कोई टेंशन नहीं है मेरी, तो आपको जरा फिक्र नहीं है। इरम ये तो तंग करने वाली बात हुई, करता हूँ मैं रफीक को फोन। भले आप रफीक को कॉल करें या किसी और से, मुझे नहीं पता, बस मुझे सूट ला कर दें। इस प्लॉट में बननी है मस्जिद। एक मिनट यार। हेलो जी विकास भाई। जी रफीक भाई किधर है? मैं आपकी दुकान पे आने लगा था। मैं इस वक्त अपने दोस्त पप्पू के दफ्तर में बैठा हूँ। अच्छा चले कोई नहीं, फिर कभी चक्कर लगा लूंगा। आना जरूर, मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकता। अपॉर्चुनिटी? और मेरा मतलब खिदमत का मौका। ओके 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 ओके। रफीक दिल छोटा मत करो यार, हमें अंग्रेजी नहीं आती तो क्या हुआ, अंग्रेजों को कौन सी उर्दू आती होगी। इरम तुम्हारे साथ मसला क्या है? जब से अनीता के साथ बाहर गए हैं मैं तब से देख रहा हूँ, आज पूरा हफ्ता होने वाला है तुम्हारा मूड ही नहीं ठीक होता, एक गिलास पानी तक मुझे तुमसे मांग के पीना पड़ता है, मेरी जिंदगी में बेसुकूनी हो गई, दिमाग फटने वाला हो गया मेरा, बताओ तो सही वजह क्या है? वजह है अनीता, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और मुझे उसकी नीयत सही नहीं लगती। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? जब हम बाइक घूमने गए थे ना तो उसके जानने वाला मिला था मुझे। हेलो वकास भाई, इरशाद बात कर रहा हूँ चीला उठ से। जी इरशाद साहब। यार वो कंप्यूटर में फिर वही मसला आ रहा है। सर आप काइंडली किसी और को बुलवा लें। यार मेहरबानी आप ही आ जाओ, पहले भी आपने ठीक किया है और अभी आप ही कर सकते हो, और किसी से नहीं होता ये। चलें ठीक है मैं आता हूँ। मेहरबानी। चलिए आप होकर आ जाएं, फिर सारी बात बता दूंगी मैं आपको घर आकर। रात को करते हैं इस बारे में बात। लो जी कर दिया फोन, आ रहा है वो। यार तुमने सॉफ्टवेयर की फाइल डिलीट कर दी है? वो तो मैंने पहले ही कर दी थी और तुमने लड़ाई भी डलवाई है। यार तीर तो मैंने पूरा निशाने पे लगाया है, कंफर्म उनके घर लड़ाई पड़ गई होगी। चलो पता चले ही जाना है ये भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आए आए सर, इसको देखें आप, वही मसला कर रहा है ये। जी चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं प्लीज। देखें कुछ समझ नहीं आ रही, ये हो जाएगा लेकिन कुछ टाइम लगेगा। यार इसको तो आप जल्दी कर दो ना यार, आप प्लीज। आप ऐसा करें ये सिस्टम मेरे ऑफिस पहुंचा दें तो मैं आपको करके दे दूंगा फिर बाद में। चलो ठीक ठीक है ठीक। हाँ जी ठीक है सर, थैंक यू।
मैं ऑफिस भेज देता हूँ। हाँ जी। वेरी गुड। ओके थैंक यू। बहुत शुक्रिया। यार बड़ा कमाल का बंदा है, तीन डेवलपर इससे पहले आए हैं, उनसे ये मसला हल ही नहीं हो रहा था, इसने तो मिनटों में कर दिया यार। हाँ यार बड़ा तेज दिमाग है इस बंदे का, लेकिन यार मैं हैरान हूँ इतना काम पर फोकस एक बंदे का कैसे हो सकता है। जरूर उसकी अज़दवाजी जिंदगी बेहतर होगी। यार ये सही कह रहे हो। मैं नहीं मानता, ये वजह नहीं हो सकती यार। तो फिर कैसे पता चलेगा? वही बादशाहों वाला तरीका। बादशाहों वाला तरीका क्या मतलब? अगर इनकी अज़दवाजी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाए ना तो फिर ही लग सकता है पता। अब तो मैं पता लगवा कर ही रहूंगा, तू बस देखता जा, वैसे भी इन कामों में ना मैं बहुत माहिर हूं। पता चल गया। ये तो सुना था कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आज पता चल गया वो कौन सी औरत होती है। असल में हर मर्द की नाकामी की वजह उसके घरेलू झगड़े ही होते हैं। आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ मेरा काम में दिल नहीं लग रहा था, मुझसे काम नहीं हो रहा था। तुम बताओ तुम्हें कौन मिला था, मैं तो सोच के पागल हो गया हूँ। पानी लाऊं आपके लिए? नहीं मुझे पानी नहीं पीना। तुम सुबह कुछ अनीता के बारे में बता रही थी कि जब हम बाहर गए थे, जब आप जूता लेने दुकान पर नहीं गए थे। हाँ। तब उसका कोई जानने वाला मेरे पास आया था और कह रहा था ये बड़ी चलाक औरत है, किसी को भी अपनी झूठी कहानी सुनाकर अपने जाल में फंसा सकती है, लिहाजा बचे इससे। नहीं इरम, मैं नहीं मानता कि नीता ऐसी होगी, जरूर वो बंदा झूठ बोल रहा होगा। मान लेते हैं वो बंदा झूठ कह रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता कि दिन ब दिन उसकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, अपनी औकात से ज्यादा उड़ रही है। मुझे तो लगता है वो अपने बेटे को हमारी जायदाद का वारिस बनाना चाहती है, और मैं नहीं चाहती हमारी जायदाद का कोई और वारिस बने, चाहे वो आपका भतीजा क्यों ना हो, वो तो फिर गैर है। ओहो, इंसान के जहन में जब कोई नेगेटिव बात डाल दी जाए ना, उसे हर चीज नेगेटिव ही लगती है। मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि अनीता ऐसी नहीं है, पता नहीं तुमने उसे खुद पे क्यों सवार कर लिया है। मुझे तो ये समझ नहीं आती आखिर अनीता ने आप पर क्या जादू कर डाला है। एक मिनट अब चुप करना, अनीता की कॉल है। हेलो वकास भाई, किधर हैं आप? ये सदा सुबह से जिद कर रहा है साइकिल लेके दें। साइकिल? मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, बाद में करता हूँ। चले ठीक है। देख ले अब आपको क्यों समझ नहीं आती। इस मसले का अब हल क्या है, मुझे हल बताओ। इस मसले का हल सिर्फ वारस है। तो क्या गारंटी है दूसरी बेगम से भी बच्चा होगा कि नहीं होगा, वारस पैदा होगा या नहीं होगा? दूसरी शादी नहीं मैं कर सकता, कोई और हल है तो बताओ मुझे, जिससे ये टेंशन खत्म हो, अंजाब खत्म हो। ये फिर अनीता की जल्द से जल्द शादी कर दो। हाँ ये सही है, कम से कम तुम्हारा वहम तो दूर होगा, घर में तो सुकून होगा। कल जाके बात करते हैं उससे। कल नहीं अभी जाना है, अभी बात करो। अच्छा मैं फ्रेश हो लूं फिर ले चलता हूं तुम्हें, जिंदगी अजाब बनाई हुई है। अब देखना नीता ने शादी के लिए नहीं मानना। हाँ नहीं नहीं नहीं, आज तो मैं आ ही नहीं सकती। सदा की टेंशन तो तुम लो ही ना, क्योंकि सदा ने तो अब सारी जायदाद का वारिस जो बनना है, उनकी अपनी कौन सा कोई औलाद है। बहुत खूब अनीता, सुन लिया है हमने सब कुछ। मेरी बीवी ठीक ही कहती थी कि तुम्हारी नीयत खराब है, तुम्हारी मकारी मेरी आंखों से कैसे ओझल रह गई। लेकिन मुझे एक चीज का इत्मीनान है, आज तक मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मेरे साथ कुछ बुरा कर सकती हो। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आजकल नेकी का जमाना नहीं है, मैं उनसे कहता था कि जो अल्लाह की रजा के लिए नेकी करते हैं उनके लिए हर जमाना नेकी का है, और मैंने तो तुमसे अपनी नेकी का सिला भी नहीं मांगा। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया अनीता, क्यों किया? लेकिन मुझे अब एहसास हुआ है कि दुनिया कितनी जालिम है, कल को कोई और भी मेरे साथ ऐसा कर सकता है।
और तुम्हारी मकारी देखने के बाद अब मैं दूसरी शादी करूंगा और अपना वारिस तुम्हें तो मैंने अपनी बहन बनाया था नीता, तुम्हें गंदगी से निकालकर मुआशरे में एक इज्जत देना चाहिए और तुम इतनी मकार निकली। सही कहते हैं, गंदी मछली कभी भी साफ पानी में नहीं रह सकती। बस कर दो बकास, अनीता बुरी औरत नहीं, इसे बुरा भला मत कहो। बस तुम्हारी दूसरी शादी करवाने का ये हमारा प्लान था। हमारी जायदाद का कोई वारिस नहीं, कहीं ये अपने बेटे को हमारी जायदाद का वारिस तो नहीं बनाना चाहती। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे कुछ करना होगा। सदा कुछ खा लो उठ के। नीता मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। खैरियत तो है भाभी? हाँ बैठ के बताती हूँ ना तुम्हें। जी बताइए भाभी। अनीता मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प भाभी, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ खैरियत है, बताती हूँ। मैं चाहती हूँ विकास की औलाद हो जो उसकी जायदाद का वारिस बने। मैंने तो विकास को यहाँ तक भी कह दिया है कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि दूसरी शादी का तो सोचते भी नहीं। अब मेरे पास ना एक प्लान है। कैसा प्लान भाभी? बस तुम्हें इतना बताती हूँ कि तुम्हें नेगेटिव रोल अदा करना होगा। नेगेटिव रोल? क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। विकास के साथ लालची औरत का किरदार अदा करना होगा। ये क्या कह रही है भाभी, लोग क्या कहेंगे कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर डाला। लोगों का क्या है, लोग तो अमरूद को भी मीठा होने की शर्त पर खरीदते हैं और बाद में नमक लगा लगा कर खाते हैं। लेकिन नीता तुम बहुत अच्छी हो, मेरा ये काम करोगी ना? ठीक है भाभी, आप लोगों की खातर मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। और हाँ, ये बात विकास तक ना पहुंचे। आप बेफिक्र रहिए। चलो हाँ। नहीं नहीं नहीं, आज तो मैं आ ही नहीं सकती। अच्छा तो ये तुम दोनों का प्लान था। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी तो करनी पड़नी थी ना। अनीता आपकी मौसन है। I'm sorry नीता, I'm really sorry. प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे कोई बात नहीं विकास भाई, अब आप मुझे ये बताएं कि आप शादी करेंगे ना? हाँ हाँ मैं जरूर करूँगा। अब तो रिश्ते दो ढूंढने पड़ेंगे। तो फिर करो शकील साहब को फोन। हैं? अच्छा चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। सदा आ जाओ।